नाउ लेट इज जस्ट डिस्कस एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरव्यू एंड देन हाउ द इंटरव्यू इज मैप्ड इन टू द रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट और वो यू कैन से इन टू द रिक्वायरमेंट यानी हमने इंटरव्यू कर लिया हमें सिस्टम की कुछ अंडरस्टैंडिंग समझ आई है लेकिन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यू से बिल्कुल क्लियर नहीं होगी क्योंकि आपके पास आपके पास और टुकड़ों में इंफॉर्मेशन आती है यू नीड अ कॉन्सॉलिडेटेड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन थिंग और सम सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट जिसकी बेस के ऊपर आप कुछ स्टेप्स लेंगे टू डिजाइन टू टू स्टार्ट डिजाइनिंग योर सिस्टम और टू टू स्टार्ट डिजाइनिंग योर डेटाबेस तो इस एग्जांपल में बेसिकली दो कंपोनेंट हैं एक रियल टाइम इंटरव्यू है और दूसरा ये है कि जब इंटरव्यू हो गया उस इंटरव्यू के बाद हाउ वी हैव स्टेब्लिश पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल अ पैराग्राफ क्योंकि ऑब्वियसली वी आई कैन नॉट डिस्कस एवरी डॉक्यूमेंट हेयर बिकॉज ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ टाइम नाउ द इज अब स्ने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि द इज रेंटल सिस्टम ऑफ अ प्लाजा अब फॉर एग्जाम्पल इट इज अ वेरी कॉमन थिंग कि हमारे पास एक प्लाजा है नाउ द क्लाइंट हैज कि जी रेंटल सिस्टम को ऑटोमेट करना है फॉर एग्जाम्पल एंड आपका टास्क ये है कि आपने रेंटल सिस्टम का एक सिस्टम बनाना है आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है उसके लिए आपने एक इंटरव्यू का सेशन प्लान किया विद द क्लाइंट एंड यू हैव स्टार्टेड टू आस्क द डिफरेंट क्वेश्चन अगेन अब पे सिर्फ एक चीज आपने समझनी है कि इस प्रेजेंटेशन का मतलब या इस टॉपिक का जो फोकस है वो इंटरव्यू को डिस्कस करना नहीं है इंटरव्यू का डिस्कशन हम कर चुके हैं इसका मकसद ये है कि सिंस इंटरव्यू इज अ प्री रेक्ट टू डिवेलप अ गुड रिक्वायरमेंट तो दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस थिंग अगेन ताकि आपको पूरा एक फ्लो समझ आए कि डेटाबेस डेवलप करने के लिए

प्राइमरली अपार्टमेंट सम फ्यू शॉप्स अभी जो मैंने आपको बताया कि जी रिक्वायरमेंट जो हैं रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी वेक अगेन वही मसला आ गया प्राइमरली अपार्टमेंट तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी हाउ मैनी अपार्टमेंट्स सम ऑफिस हाउ मैनी ऑफिस फ्यू शॉप्स हाउ मैनी शॉप्स द रीजन ये मैं ये पॉइंट रेज इसलिए कर रहा हूँ कि समवेयर डाउन द रोड यू नीड टू आइडेंटिफाई आपको आगे जाकर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या डिसीजन लेना पड़ेगा कि विच डाटा बेस्ड टू गो फॉर उसके लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि पोटेंशियल डेटा साइज क्या है जो मैं टारगेट कर रहा हूं एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए तो उसके व्यू पॉइंट से ये चीजें बहुत जरूरी हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी आर टोटल अपार्टमेंट्स टोटल ऑफिस एंड टोटल शॉप्स अभी इंटरव्यू ने क्वेश्चन किया कि यार थोड़ा क्लियरिफाई करो कि टोटल हैं कितने अब इंटरव्यू ने जो क्लाइंट है उसने का यानी उसने पॉज लिया आफ्टर सम पॉज उसने कहा यस 15 अपार्टमेंट्स फाइव ऑफिस एंड थ्री शॉप दैट मीन जो अब आप देखें वो कह था सम एंड फ्यू शॉप लेकिन सम फ्यू शॉप को अब हमने कुछ ना कुछ क्वान्टिफाई कर लिया क्वॉंटिफाई करने का रीजन मैंने आपको बताया कि वी नीड टू आइडेंटिफाई सम सॉर्ट ऑफ गुड डाटा बेस डिसीजन के या डेटा पोटेंशियल डाटा साइज क्या है जो हम टारगेट करेंगे क्योंकि डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये होता है कि योर डेटाबेस शुड बी फॉल्ट टॉलरेंस स्केलेबल इनफ़ ये ना हो कि वो एक लाख रोज के बाद बैठ ही जाए इधर आपका डेटाबेस का डिज़ाइन सही नहीं है या योर चॉइस फॉर अ पर्टिकुलर डी इज नॉट करेक्ट तो इसलिए ये चीज़ें मालूम करना बहुत जरूरी है अगला क्वेश्चन हाउ मैनी फ्लोर्स आर देयर इन द प्लाजा अब हम जब ये कह रहे हैं कि एक प्लाजा के फ्लोर कितने हैं तो वी डोंट नो एक्चुअली अब हमने ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर से किया यानी क्लाइंट से किया तो क्लाइंट ने ही आंसर किया कि सिक्स फ्लोर बट वी हैव अपार्टमेंट्स ओनली ऑन थर्ड फ्लोर एंड वन रिमेनिंग फ्लोर वी हैव शॉप्स एंड ऑफिस तो देखने में कॉन्फिग्रेशन सिंपल लग रही थी लेकिन जब हमने थोड़ा डीपली ड्रिल डाउन किया तो ये पता लगा कि छः के छः फ्लोर के ऊपर अपार्टमेंट्स नहीं हैं सिर्फ तीन फ्लोर पे अपार्टमेंट्स हैं और वो डेडिकेटेड है और एक रिमेनिंग फ्लोर के ऊपर शॉप्स हैं एंड ऑफिस हैं दैट कि टोटल चार फ्लोर के ऊपर बिल्डिंग्स हैं दो फ्लोर पे क्या हमें नहीं पता क्योंकि टोटल छह फ्लोर थे ये क्वेश्चन पर्टिनेट इसलिए भी है कि अमूमन फ्लोर टू फ्लोर जो रेंट है वो वेरी करता है तो दैट्स वाई इसका मतलब है कि अपार्टमेंट का रेंट फ्लोर टू फ्लोर अगर वेरी करता है तो वी नीड टू नो कि कितने फ्लोर के ऊपर यानी कितने में फ्लोर के ऊपर अपार्टमेंट्स हैं और उनका नंबर क्या है तो बेसिकली तीन फ्लोर के ऊपर अपार्टमेंट्स हैं बेसिकली और बाकी एक फ्लोर के ऊपर शॉप्स और ऑफिस हैं अगला क्वेश्चन डू वी हैव फिक्स रेंट फॉर ईच अपार्टमेंट और डज इट वेरीज फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोर अब वही क्वेश्चन इंटरव्यू जो क्लाइंट है वो ये कहता है रेंट वेरीज फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोर ऑफ अपार्टमेंट द रीजन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन इज कि जो हमारा बिल जनरेट करने का प्रोसेस होगा दिस कैन नॉट बी स्टैटिक देन इससे मैं इन्फर कर रहा हूं भी ये. जो ये वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर यह मिला है कि रेंट विल वेरी फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोर ऑफ अपार्टमेंट दैट मीन के वी कैन नॉट है अपार्टमेंट क्योंकि ये वेरी करेगा फ्रॉम वन फ्लोर टू अनादर हो सकता है दस परसेंट का वेरिएशन हो पांच परसेंट का वेरिएशन हो वी डोंट नो लेकिन देर इज अ वेरिएशन यहां से इन्फर में ये कर रहा हूं अगला क्वेश्चन डिड यू सेंड बिल स्लैश रिसीव एट द एंड ऑफ द मंथ यानी बिल जनरेशन का प्रोसेस क्या है अब हमें यह पता लग गया कि बिल तो डिफरेंट जनरेट होना है यानी हर फ्लोर का डिफरेंट बिल है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अब हमने देखने की बिल जनरेट करने का प्रोसेस क्या है अब यानी अब क्वेश्चन ये है कि क्या बिल एंड ऑफ द मंथ जनरेट होता है या क्या प्रोसेस है जो क्लाइंट है इंटरव्यू है उसका आंसर वी सेंड बिल फॉर टू मंथस बट रिसीव इंस्टॉलेशन ऑन मंथली बेसिस अब ये थोड़ा प्रोसेस अब डिफरेंट है जो नॉर्मल होता मतलब कि हमने दो महीने का बिल भेज दिया लेकिन द क्लाइंट अब ये मैं इन्फर कर रहा हूं यहां से नाउ द क्लाइंट हैव द लग्जरी टू पे द बिल ऑफ वन मंथ ओनली यानी दो महीने का बिल अब एक साथ भी जमा करा सकता है ये ऑप्शन मौजूद है लेकिन सिर्फ एक महीने का बिल भी जमा हो सकता है दिस मीन के पार्शल पेमेंट अलाउ की हुई है सिस्टम में ये क्वेश्चन का आंसर और ट्रेडिशनली फर्क है अमूमन हर महीने का बिल होता है लेकिन ये पर्टिकुलर क्लाइंट ये कह रहा है कि जी हर मंथ का बिल नहीं है दो महीने का बिल है लेकिन पार्शल पेमेंट यानी मंथली पार्शल पेमेंट भी अलाउ हमने की हुई है अब अगला क्वेश्चन इंटरव्यू कर रहा कैन यू टेल मी स्पेसिफिक डेटा यू स्टोर अबाउट योर कस्टमर इन टू द सिस्टम द रीजन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन इज

ऑर्डर नंबर कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्लाइंट नंबर व्हाट्स तो ये कुछ सैंपल क्वेश्चन है मैंने आप डिस्कस किए नाउ ना समराइज द क्वेश्चन आपको नजर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ इन अ प्लाजा रेंटिंग सिस्टम दे आर थ्री टाइप ऑफ बिल्डिंग्स प्राइमरली अपार्टमेंट्स ऑफिस एंड शॉप दे आर मल्टीपल फ्लोर इन अ प्लाजा एंड फॉर थ्री फ्लोर अपार्टमेंट्स आर एलोकेटेड बट फॉर रिमेनिंग देयर कैन बी मिक्स ऑफ शॉप एंड ऑफिस वेन कस्टमर इज रजिस्टर्ड यूजली कस्टमर आई डी नेम फोन नंबर एंड एड्रेस इज स्टोर एज अ प्रोफाइल बिल इज जनरेटेड फॉर रेंट ऑन बाई मंथली बेसिस बट कस्टमर हैज एन अपॉर्चुनिटी टू पे द बिल ऑन मंथली बेसिस तो अब इंटरव्यू के अंदर और भी इरेलीवेंट सवाल थे लेकिन रिक्वायरमेंट का जो डॉक्यूमेंट है या जो रिक्वायरमेंट हमने समराइज की है फ विल स्टार्ट ट इनपुट टू द डाटा बेस डिजाइन एंड जब हमने सिस्टम को डिजाइन करना है डाटा बेस को डिजाइन करना है तो अब हम इंटरव्यू पर नहीं जाएंगे अब हम इस डॉक्यूमेंट को रेफर किया करेंगे बार बार और इसी डॉक्यूमेंट को हम बार बार रिफ्रेस किया करेंगे अपडेट किया करेंगे अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ बाय फ्रॉम और द साइन ऑफ फ्रॉम द क्लाइंट अमूमन हम डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट क्लाइंट्स को भेजते हैं क्लाइंट से कहते हैं कि इधर एक्सेप्टेड और प्रोवाइड द फीडबैक सो वी कैन मार्क इट एज अ लाइन बेंच लाइन या एक इंडस्ट्री में टर्म बहुत Base मुरादी होती है कि साइन ऑफ हो गया इसके अलावा जो भी चेंजेस आएंगी रिक्वायरमेंट्स के अंदर दीज चेंजेस विल बी ट्रीटेड एज चेंज रिक्वेस्ट मीन पेड चेंज एक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आपके पास कुछ अमाउंट है कुछ बजट है एनी थिंग विच विल बी चेंज फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स इट विल हैव एडिशनल फाइनेंशियल हैिटी तो आप एग्जिस्टिंग बजट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स बेसलाइन की हैं वही डिलीवर करने के पाबंद हैं अगर रिक्वायरमेंट में कोई चेंज हो रही है तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपके कॉन्ट्रैक्ट के बजट के ऊपर है तो दैट्स अ कोर रीजन जिसको हम स्कोप मैनेजमेंट कहते हैं कि दैट्स अ रीजन कि यू नीड टू गेट अ बाय एंड फ्रॉम द क्लाइंट कि अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट चेंज करता है जो कि वो करेगा सेवेंटी टू एटी परसेंट चीजों में क्लाइंट रिक्वायरमेंट चेंज करता है रीजन द मोमेंट यू गिव द डेमो टू द क्लाइंट और उसके दिमाग में विशलिस्ट आना शुरू हो जाती है एंड यू हैव मैनी मैनी चेंज रिक्वेस्ट जो कि नॉर्मल बिहेवियर है लेकिन द पैनिक कम कि जब आप चेंज रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाते तो इसके लिए हमें हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट्स को बेस नहीं करना पड़ता है ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है कि इसके ऊपर हमारा साइन ऑफ होगा एनीथिंग बियॉन्ड दिस डॉक्यूमेंट और एनीथिंग बियॉन्ड दिस रिक्वायरमेंट विल बी टेकन एज पेड चेंज मीन इट विल सर्व एज अ चेंज रिक्वेस्ट विच विल नॉट बी फ्री ऑब्वियसली तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी रिवाइज होगा बजट भी नहीं आएगा और टाइम लाइन भी नहीं आएगी क्लाइंट का एग्रीमेंट भी नहीं आएगा हर और प्रोसेस होगा जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान होता है